जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर रही हैं। भाजपा ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन भारी विरोध और कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखते हुए पार्टी ने लिस्ट वापस ले ली थी। इससे पहले भाजपा ने अपनी पहली सूची में 15 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं दूसरी लिस्ट में पार्टी ने सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम ही जारी किया था। तीसरी लिस्ट भी जारी की, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बाद में ये लिस्ट बदलनी पड़ी। लिस्ट बदली तो कुछ उम्मीदवार भी बदले, यही वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी हुआ। कटरा की वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर पहले रोहित दुबे को टिकट दिया गया था, लेकिन लिस्ट बदलने के बाद ये नाम भी बदल दिया गया। असली लिस्ट में सीट से बलदेव राज शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बस यहीं से घाटी के चुनाव का माहौल बदल गया। अपने अनुशासन की दाद देने वाले भाजपा यहां डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, यानी मामला बढ़ने से पहले पार्टी इस मामले को शांत नहीं करा पाई। इस विधानसभा सीट को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे रोहित दुबे के समर्थकों में खासा रोष है। वहीं लगातार पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच आनन फानन में जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना को माहौल संभालने के लिए कटरा भेजा गया। मामले को शांत करना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे समय में बीजेपी किसी भी बड़े और कद्दावर नेता का विरोध नहीं करेगी। राजनीतिक चाणक्यों का कहना है कि बीजेपी ऐसे केस में बिल्कुल भी चूक नहीं करेगी, क्योंकि उसे घाटी में चुनाव जीतने के लिए हर मोड़ पर बारीकी से कदम रखना पड़ेगा और भाजपा ऐसा करने में माहिर है। रविंद्र रैना कटरा पहुंचे। रविंद्र रैना ने रोहित दुबे और उनके समर्थकों को आश्वासन दिया कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। रोहित दुबे पार्टी के बड़े नेता हैं और ऐसे ही वो आगे काम करते रहेंगे, उसके लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा ही कुछ मामला छंब विधानसभा को लेकर हुआ। यहां के कार्यकर्ताओं ने भी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जम्मू बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल छंब विधानसभा से बीजेपी ने राजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजीव शर्मा एक बाहरी उम्मीदवार हैं। हम उनको अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वही प्रत्याशी वहीं रहे तो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस हंगामे को देखते हुए बीजेपी ने अपने ऑफिस के गेट को बंद कर दिया है। साथ ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है।